अपने दर्शकों को बता दें कि आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। ऐसे में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में आज पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा अमेठी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से आमने सामने होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख कर सकते हैं। फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? क्या अमेठी का दंगल फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा? 24 का रण अमेठी का मूड समझिए। क्या तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे? क्या राहुल गांधी अपने परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है। 2019 में राहुल गांधी को चुनावी पटकनी देने के बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांव-गांव में जाकर सभाएं कर रही हैं और राहुल गांधी पर करारा वार कर रही हैं। आज अगर हम गांधी परिवार से कहें मुसाफिर खाना कहाँ है और मटियारी जी का गांव कहाँ है, बता पाएंगे? अगर आज हम कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से कहें ये बताओ भिटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, बता पाएंगे? सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है, ये बता पाएंगे? हलियापुर कहाँ है और हरिहरपुर कहाँ है, बता पाएंगे? अवधेश जी आपका नाम हिंदी में लिखकर उनके हाथ में दे दें, पढ़ पाएंगे? स्मृति ईरानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो उनकी हार 2019 की हार से बड़ी होने वाली है। 5 सालों में 3,763 घर बने हैं। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीबों के घर बने हैं 5 साल में, जिसमें से 2 साल कोरोना का था, मतलब काम करने के लिए मेरे पास 3 साल था। कांग्रेस पार्टी 15 साल लापता सांसद के माध्यम से 10,000 घर भी बनाई थी क्या? हम 3 साल में 1,14,000 घर बनवाए हैं। इस बार भी स्मृति ईरानी गांव-गांव जाकर छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं और इन सभाओं में गांव की महिलाएं ज्यादातर स्मृति ईरानी को सुनने के लिए आ रही हैं। स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और रोजाना एक दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। स्मृति ईरानी इस वक्त स्टेज पर हैं और वो लगातार शाहगढ़ के महिलाओं से, पुरुषों से लगातार वो संपर्क कर रही हैं, सीधे कनेक्शन स्थापित कर रही हैं। और जब स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव आ रही थी तब वो अमेठी छोड़ के नहीं गई थी, इसी तरीके से छोटी छोटी गाँव स्तर पर सभाएं की थी, जिसके वजह से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। न्यूज 18 इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जानी कि उनकी नजर में बेहतर कौन है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। मोहम्मद यूनिस जी, कितनी बार आपने अपने पुराने सांसद से मुलाकात की, कितने बार पुराने सांसद को इलाके में देखे आप? अरे नहीं, कहां हुआ, राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी भी नहीं आते, तो दीदी से तो मिलते हैं बराबर, हर बार रहते हैं उनके साथ। 2019 में स्मृति ईरानी ने जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त दी, उसके बाद स्मृति ईरानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। जिन महिलाओं से स्मृति ईरानी ने मुलाकात की उन महिलाओं से न्यूज 18 इंडिया ने भी बात की। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख करेंगे और यही वजह है कि अमेठी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले राहुल गांधी के घर की साफ सफाई करवा दी। वैसे अमेठी की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी जरूर अमेठी से चुनावी पर्चा भरेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर घूम रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अमेठी के लोगों को समझा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जब पूरा मैनिफेस्टो दिखाइए, कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाइए, ये देखिए, ये
ये देखिए जरा इसको सीधा करके दिखाइए कि किस तरीके से कांग्रेस का गारंटी कार्ड और कांग्रेस ने यहाँ रणनीति बदली हुई है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं यहाँ से चुनाव लड़ने? जी आ रहे हैं। कोई सूचना आई है आप लोगों के पास? नहीं सूचना नहीं आई है, आएंगे चुनाव लड़ने आएंगे। आप राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन सौगात की एक बात, अमेठी में स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र की एक दुल्हन शादी से महज एक दिन पहले अपने घर से गायब हो गई। इसका पता लगने के बाद परिजन और आसपास के लोगों ने इधर उधर तलाशा। युवती के नहीं मिलने पर वो कोतवाली पहुंचे, हंगामा खड़ा किया, रोड तक जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों के पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। पुलिस और प्रबुद्ध लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा कर थाने से बाहर हटाया, लेकिन आक्रोशित परिजनों के साथ समाज के लोगों ने 5 बत्ती के बाद जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया। शनिवार को लड़की की शादी होनी है, ऐसे में उसे